नवाज शरीफ की जगह लेने वाले साहिद खाकन अब्बासी की कैबिनेट में एक हिंदू समाज के सांसद को भी जगह मिली है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी के कैबिनेट ने शपथ ली है। इस बार कैबिनेट में हिंदू सांसद दर्शन लाल को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान में 20 साल से ज्यादा समय के बाद किसी हिंदू सांसद को कैबिनेट में जगह मिली है। पाकिस्तान राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने 47 सांसदों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। इनमें से 19 राज्य मंत्री हैं। शाहिद खाकन अब्बासी की कैबिनेट में जगह पाने वाले दर्शन लाल पाकिस्तान सरकार में पिछले 2 दशक से ज्यादा समय शामिल किए जाने वाले पहले हिंदू हैं। शाहिद खाकन अब्बासी की कैबिनेट में दर्शन लाल को पाकिस्तान के चारों प्रांतों के बीच समन्वय का प्रभारी बनाया गया। 65 वर्षीय लाल पेशे से डॉक्टर हैं और फिलहाल सिंध प्रांत में मीरपुर मथेला शहर में प्रैक्टिस करते हैं। साल 2013 में वह PMLN पार्टी के टिकट पर अल्पसंख्यक कोटे से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। शाहिद खाकन अब्बासी की कैबिनेट में नवाज शरीफ की कैबिनेट में रक्षा और ऊर्जा मंत्रालय कार्यभार संभालने वाले ख्याचा आसिफ को विदेश मंत्री बनाया गया। पाकिस्तान सरकार में 2013 से ही कोई विदेश मंत्री नहीं था। पाकिस्तान की आखिरी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर थी। ऐसे में अब पाकिस्तान में हिंदू मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी शामिल किया गया। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बीते हफ्ते पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्टाचार का दोषी मानकर प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद नवाज शरीफ की जगह शाहिद खाकन अब्बासी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, हर पल सच्ची खबर के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।